हेलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहिए। अभी हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। इससे पहले आपने सीखा था प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, राइट? और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जो आएगा वो डिवीजन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर रहेगा। ओके, मीन इंटीजर्स हैव प्रॉपर्टीज ओवर द फोर ऑपरेशंस। ओके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हम थर्ड पे चल रहे हैं अभी। ओके, तो आप देख रहे हैं ब्लॉक डायग्राम और टोटल सेवन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स होता है आपके पास। सेवन प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो। अब वन बाय वन मैं आपको एक एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता हूँ, जरा बने रहिए वीडियो पे। ओके, नंबर वन आपका है बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट? क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी आप टू इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास इंटीजर ही रहे। दैट इज ट्रू, ये सब प्रॉपर्टीज ट्रू होती है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट? यहां तक फाइव तक। ओके, तो आप देख रहे हैं जिन जिन में मैंने यहां पे ट्रू लिखा है वो सब ट्रू है। ओके, तो इन केस ऑफ एडिशन ये सब ट्रू होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन आप कोई भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपके पास इंटीजर रहेगा। ए, लेट ए इज एन इंटीजर 5 एंड बी इज एन इंटीजर 3, और -3 आप ले सकते हैं, नोट प्रॉब्लम है, नेगेटिव ले लो। ओके, नो प्रॉब्लम। सो ए इंटू बी आपके पास क्या रहेगा बच्चों, देखना है आपको। ए है आपके पास 5, इंटू बी आपके पास है प्यारे बच्चों -3, राइट? सो इट बिकम -15। सो -15 इज ऑल्सो एन इंटीजर, सो दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर, ये भी एक इंटीजर है। तो हम बोल सकते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी इन केस ऑफ इंटीजर्स, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज ट्रू। ओके, हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट वन कम्युनिटी प्रॉपर्टी। ओके, कम्युनिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या है? कम्युटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन मीन जब आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें और आप उन इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें उनका पोजीशन चेंज करके, राइट? जैसे आपने एडिशन में सीखा था ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, वैसे ही यहां पे आप सीखेंगे ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। मीन इज देयर एनी चेंज व्हेन आई एम चेंजिंग द पोजीशन ऑफ टू इंटीजर्स व्हाइल मल्टीप्लाइंग। हम एग्जांपल्स लेते हैं, ए लेता हूं मैं -5 और बी लेता हूं मैं -3। ओके, बी हमने लिया है -3 और ए हमने लिया है 5। हमारा ए का वैल्यू 5 है, देखो दोनों जगह। ओके, लेफ्ट साइड और राइट साइड हम चेक करते हैं, इधर जो लेफ्ट साइड है राइट साइड इक्वल और नॉट। 5 इनटू -3, दिस 5 इज पॉजिटिव। ओके, नो नीड टू गिव एनी साइन। 5 इनटू 3 दिस बिकम -15, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस आल्सो -15। ओके, सो दिस इज ट्रू, यू कैन से दिस वाज आल्सो ट्रू एंड दिस इज आल्सो ट्रू, बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड्स आर सेम। सो आप कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज ट्रू एंड कम्युनिटी प्रॉपर्टी इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज आल्सो ट्रू। ओके, पहले बच्चों अब हम आते हैं, दिस टू आर एक्सप्लेन्ड। अब हम आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, राइट? ये हमारे पास थर्ड वन प्रॉपर्टी। देखिए इसमें क्या है, जैसे आपने प्रोडक्ट में एडिशन में सीखा a plus b plus c equal to b plus a plus b plus c and we are changing the group in this case, तो ऐसा ही हम इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में लेंगे। a into b into c is equal to a into b into c, तीन इंटीजर्स का आपको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, और लेफ्ट साइड में आप ग्रुप बनाते हैं a और b का और राइट साइड में आप ग्रुप बना लेते हैं b और c का। तो हमें चेक करना है कि क्या रिजल्ट में कोई चेंज आएगा। हम लेते हैं a b c की कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लीजिए आप, a इक्वल टू लेता हूं 2, b इक्वल टू मैं लेता हूं -3 एंड c इक्वल टू लेते हैं 5। ओके, तो ये सेम वैल्यूज आप राइट साइड में पुट कर दीजिए। ओके, a का वैल्यू बच्चों आपने लिया है 2 और b का वैल्यू बच्चों आपने लिया है -3 और c का वैल्यू बच्चों आपने लिया है 5। यहां मेरा ये ग्रुप है और लेफ्ट साइड में मेरा ये ग्रुप है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ बोर्ड मास हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो 2 into -3 इट बिकम -6 into 5 एंड राइट साइड में फिर ब्रैकेट सॉल्व होगा, पहले 2 5 into -3 दिस बिकम -15, राइट? तो 6 5 जा -30 इज इक्वल टू 15 into 2 अगेन -30, सो दिस इज आल्सो यू कैन से ट्रू। तो हम बोल सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स इज
ट्रू राइट। अब हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज फोर्थ वन, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन क्या होता है? देखिए, ए इंटू बी प्लस सी राइट इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। वी नीड टू चेक ऐसा होगा या नहीं होगा। ओके, एक साइड तो हम बी और सी को ब्रैकेट में रखते हैं, बाहर ए से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी साइड हम राइट साइड में हम इनका पेयरिंग कर लेते हैं बच्चों, ऐसे मल्टीप्लाई करके, और ये पेयरिंग हो गया। तो हमें चेक करना है इधर द लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल और नॉट। तो हम ए बी और सी की कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू माइनस थ्री एंड सी इज इक्वल टू फोर। आप कोई भी वैल्यू लीजिए, अपने एग्जाम्पल्स लेके फिर एक बार फिर से ट्राई करके देखिएगा राइट। तो ए इक्वल टू टू, ये टू है आपके पास, इंटू बी, बी का वैल्यू आपके पास है माइनस थ्री, प्लस सी का वैल्यू आपके पास फोर, और ये रहा ब्रैकेट हमारा। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन इज इक्वल टू, ए कितना है आपके पास टू, इंटू बी इज माइनस थ्री, ओके, प्लस ए इज टू इंटू सी इज फोर। ओके, तो अब हमें सोल्व करना है, हमने लेफ्ट और राइट साइड में ए और बी का वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया है राइट। सो टू अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास वी विल सोल्व दिस थ्री, फर्स्ट दिस ब्रैकेट इट बिकम प्लस वन राइट, माइनस थ्री प्लस फोर प्लस वन इज इक्वल टू टू इंटू माइनस थ्री माइनस सिक्स प्लस टू इंटू फोर एट। ओके, दिस बिकम टू इंटू वन टू एंड राइट साइड माइनस सिक्स प्लस एट। बट बच्चों व्हाट इज माइनस सिक्स प्लस एट? दिस एट इज पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन माइनस सिक्स बाय टू, सो दिस इज इक्वल, दिस टू इज इक्वल टू टू, मीन लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। हेंस आप बोल सकते हैं दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू इन केस ऑफ इंटीजर्स राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो इसमें क्या होगा, जहां में हमने फोर्थ वन में एडिशन लिया था वहां सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ओके, यानी कि ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, आप ये लिखेंगे। ओके, लेफ्ट साइड में आप ब्रैकेट बना रहे हैं, राइट साइड में आप ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हमें चेक करना है इज दिस इक्वल और नॉट फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए एंड बी सी। ए इक्वल टू हम लेते हैं टू, बी इक्वल टू लेते हैं बच्चों माइनस फोर एंड सी इक्वल टू लेते हैं थ्री। कोई भी वैल्यू लीजिए आप, नो डाउट ए का वैल्यू आपका टू फिक्स कर दीजिए। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, बी है माइनस फोर माइनस सी है थ्री आपका। ओके, इज इक्वल टू ए टू इंटू बी इज माइनस फोर, तो यहां मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगा। ओके, माइनस ए, ए इज टू इंटू सी इज थ्री। ओके, सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई है, अब इसको सोल्व करिए, टू इंटू माइनस फोर माइनस थ्री, लेफ्ट साइड पहले सोल्व कर लेते हैं हम, माइनस सेवन, माइनस फोर माइनस थ्री बोथ आर नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन बिकम माइनस सेवन, सेवन इंटू माइनस टू, टू इंटू माइनस सेवन बिकम माइनस फोर्टीन। अब राइट साइड को हम सोल्व करते हैं, टू इंटू माइनस फोर दैट इज माइनस एट एंड माइनस थ्री इंटू टू सिक्स, माइनस एट माइनस सिक्स दैट इज माइनस फोर्टीन, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके, सो यू कैन से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो ट्रू। अब आते हैं हम नेक्स्ट हमारी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी पे, नंबर वन सिक्स, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। सेवन वन इज प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ओके, तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या है? वन इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, यू राइट हियर, वन इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर
एवरी इंटीजर, वन जो है वो हर एक इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। हम एग्जांपल लेते हैं, कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए आप, मैं तीन एग्जांपल लूंगा आपके सामने। सेवन इंटू वन इज इक्वल टू सेवन, मैंने सेवन एक इंटीजर लिया, उसको वन से मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास सेवन ही रहा, मीन देर इज नो चेंज इन द आंसर। जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी, मीन आप जीरो किसी इंटीजर में प्लस करेंगे तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, राइट। माइनस फाइव इंटू वन का आंसर इज माइनस फाइव, ओके। माइनस नाइनटी नाइन इंटू वन का आंसर इज माइनस नाइनटी नाइन, राइट। सो जीरो इंटू वन इज ऑल्सो, यू कैन टेक फोर्थ एग्जाम्पल डी, जीरो इंटू वन इज ऑल्सो गेटिंग जीरो, वही सेम इंटीजर रहा, जीरो से आपने वन को मल्टीप्लाई किया, देयर इज नो चेंज, ओके। सिमिलरली प्रॉपर्टी ऑफ जीरो है आपके पास, अब जीरो क्या चेंज लाता है, व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग एनी इंटीजर विद जीरो द रिजल्ट इज ऑलवेज जीरो, ओके। मीन यू कैन राइट व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी इंटीजर with zero, the result will be zero. आप कुछ examples ले सकते हैं, mean seven into zero is equal to zero, answer will be zero, okay? Minus nine into zero is equal to zero. This is the property of zero in case of integer. मीन आप zero से किसी भी integer को multiply करेंगे तो वो रिजल्ट को जीरो बना देगा, ओके? इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बने रहे मेरे साथ प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन इन केस ऑफ इंटीजर्स, ओके। थैंक यू।